पुनः स्वागत है छात्रों। इस प्रस्तुति में हम मीराबाई द्वारा रचित पदों पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। तो मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है कि प्रभु, जिस प्रकार आपने द्रौपदी के वस्त्र बढ़ाकर भरी सभा में उसकी लाज रखी, नरसिंह का रूप धरकर हिरण्यकश्यप को मार प्रहलाद को बचाया, मगरमच्छ ने जब हाथी को अपने मुंह में ले लिया अर्थात एरावत को जब मुंह में ले लिया तो उसे भी बचाया और उसकी पीड़ा भी हरी, हे प्रभु इसी तरह आप मेरे भी संकट दूर करें या इसी तरह मुझे भी हर संकट से बचाकर पीड़ा से मुक्त करें। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी अर्थात सेवा क्यों करना चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो मीरा का हृदय कृष्ण के पास रहना चाहता है, उन्हें पाने के लिए वह इतना अधीर हैं कि वह उनकी सेविका बनना चाहती हैं। वह बाग बगीचे लगाना चाहती हैं जिसमें श्री कृष्ण घूमने, कुंज गलियों में कृष्ण की लीला के गीत गाएं ताकि उनके नाम के स्मरण का लाभ उठा सकें। इस प्रकार वह कृष्ण का नाम भाव भक्ति और स्मरण की जागीर अपने पास रखना चाहती हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। मीरा ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि उनके प्रभु श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंखों का मुकुट है, उन्होंने पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र पहने हुए हैं, गले में वैजयंती या वैजयंती पुष्पों की माला है या वन फूलों की माला है, वे मुरली अर्थात बांसुरी बजाते हुए गायें चराते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। मीराबाई की भाषा और शैली पर प्रकाश डालिए। तो मीराबाई की भाषा सरल सहज और आम बोलचाल की भाषा है, उसमें राजस्थानी ब्रज और गुजराती का मिश्रण है और खड़ी बोली के भी दर्शन होते हैं। उनकी पदावली कोमल भावानुकूल व प्रवाहमयी है। पदों में भक्ति रस है तथा अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश रूपक आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं, वे अर्थात मीरा। तो मीरा कृष्ण को पाने के लिए अनेक कार्य करने को तैयार हैं। वह उनकी सेविका बनकर उनकी सेवा कर उनके साथ रहना चाहती हैं, उनके विहार करने के लिए बाग बगीचे लगाना चाहती हैं, वृंदावन की गलियों में उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती हैं, ऊंचे ऊंचे महलों में खिड़कियां बनवाना चाहती हैं ताकि आसानी से कृष्ण के दर्शन कर सकें, कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर आधी रात को कृष्ण से मिलकर उनके दर्शन करना चाहती हैं। अब ये प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो पहला जो पद दिया है या पदांश दिया है जिसका हमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है वो इस प्रकार है, हरियाप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर। इस पद में मीरा ने कृष्ण के भक्तों पर कृपा दृष्टि रखने वाले रूप का वर्णन किया है। वे कहती हैं, हे हरि, जिस प्रकार आपने अपने भक्त जनों की पीड़ा हरी है मेरी भी पीड़ा उसी प्रकार दूर करो। जिस प्रकार द्रौपदी को काचीर बढ़ाकर प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप धारण कर आपने रक्षा की उसी प्रकार मेरी भी रक्षा करें। इसकी भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी है, रा ध्वनि का बार बार प्रयोग हुआ है तथा हरि शब्द में श्लेष अलंकार है। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। इन पंक्तियों में मीरा ने कृष्ण से अपने दुख दूर करने की प्रार्थना की है। हे भक्त वत्सल, जैसे आपने डूबते गजराज को बचाया और उसकी रक्षा की, वैसे ही आपकी दासी मीरा प्रार्थना करती है कि उसकी पीड़ा भी दूर करो। इसमें दास भक्ति रस है, भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी है, अनुप्रास अलंकार है, भाषा सरल तथा सहज है।
चाकरी में दर्शन पासी हूँ, सुमरण पासी हूँ, खर्ची भाव भक्ति जागीरी पासी हूँ, तीनों बाता सबसी। इसमें मीरा कृष्ण की चाकरी करने के लिए तैयार है क्योंकि इससे वह उनके दर्शन नाम स्मरण और भाव भक्ति पा सकती हैं। इसमें दास से भाव दर्शाया गया है। भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी है। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और कुछ तुकांत शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। इसी के साथ मीराबाई द्वारा रचित पद यहीं पर समाप्त होते हैं। पहली प्रस्तुति में हमने पद पढ़े और उनके भावार्थ जाने। दूसरी प्रस्तुति के माध्यम से हमने पद पर आधारित प्रश्न और उत्तरों का अभ्यास किया। आशा करता हूँ इस पाठ को आपने अच्छे से सीखा होगा। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।